इधर रोड पे तकरीबन 6-7 लड़के जो जीग जैग और व्हीलिंग वगैरह कर रहे थे, तो उनको मना किया, कितनी बार मना किया उसको, मना करने के बावजूद वो जीग जैग कर रहे थे वन व्हीलिंग। और भाई मेरा जो मेरे साथ था उसका मैंने हाथ पकड़ा था, सड़क के पास खड़े हुए थे हम, तो वो जीग जैग करते हुए आया और सीधा मेरे भाई को उसने गाड़ी मारी, यानी कि जानबूझ के मारी। इतना मना भी किया उसको, उसको पता भी है इधर खड़े हुए हैं, वो जिग जैग करते आया और उसने गाड़ी मार दी उसको। ते मैं 1-1-2-2 टैक कालां कीतियां, कोई 5-6 कालां कीतियां। हाँ। वो आंदे ही गड्डी घली घली, मैं किन्नी देर हो गई, अद्धा घंटा गड्डी नहीं, आंदे साढ़े कोल जहाज ही घली है, सुबह तुम अंदाजा ला लो तकरीबन 7 बजे तो कालां शुरू होए, 11 बजे पुलिस आई साढ़े कोल, तकरीबन इतों पोस्टमार्टम वास्ते लै गए 3-4 घंटे उत्थे। पुलिस ने फोन किया, वो आंदे बंदे आ रहे ने, तकरीबन 10 कालां पुलिस ने कोई नहीं आईया। फिर मैं सा मेरे नाल की नाम एक साढ़े महल्ले का जायदा रीडर है, दोस्त है मेरा, वो ही मेरे नाल, उन्हें आख्या आप थाने जाने हैं, अभी थाने गए तो वह आँदे भाई जी इतने पहले लिख लिखा होना, हेर आना है साड़ी लाश, उन्हें जिगर उ खराब हो रही, गड्डी जो पई ही तो धुप पै रही, स्मैल बनती पई ही, तो कि ना मेरा ही थाने उन्हें सानू 3-4 घंटे साढ़े उत्थे बनाए ने। एस एच ओ शकरूला ने उन्हें कॉल की, मुंशी उत्थे दा मुहर्र जड़ा ही, उन्हें आख्या केड़ी दफा लानी, उन्हें आख्या दफा बनती है 322 बनती है, तो उन्हें फिर आख्या फिर भी तुम मजीद DSP ने पूछ लो, DSP ने मैं घलिया उन्हें तस्वीर खिंच के, तो DSP ने उन्होंने आख्या जी दफा 320 लाओ, बंदे जो तो घर उखा छे सू बंदे फड़ो उन्होंने सजा दो, हूँ सू आते जो तुम कॉल करने ही उदो आया करेंगे असं हूँ उन्होंने, मगर बंद असं ही फटने, फिर की फायदा पुलिस का। देखो जी जिथे जिन्हों जवान पुत्र मरे वो पुलिस से सुन दी ना करें, पुलिस ने 5 to 6 घंटे ना गरीबा रोड से रखा, ना इन्हों लाश डेड बॉडी वास्ते उ भेजी, रोड से पई रही, फिर जो उ हस्पताल गए तो हस्पताल का निजाम कोई नहीं, उन्होंने आख्या जी इंस्पैक्टर साहब ने आख्या थाने देने SHO साहब ने कि तुम 322 ला दो, डिप्टी साहब सर्कल ने कोई असं नहीं जानते, लेकिन उन्होंने आख्या जी 320 ला दो, ये तो काबिले जमानत आ, इस बंद का लसेंस हों, पुलिस को पता है कि लसेंस है। मैं ये गल कहांगा वजीर आला पंजाब नूं भी ते IG पंजाब नूं भी कि गुजरांवालां दी पुलिस बिल्कुल कारकर्दगी कोई नाकस ने जी, ये किसी गरीब आदमी की सुन ही नहीं सकती, इन्हों जिहड़ा पैसे देवे उन्हां दी आ, लेकिन ये किसी की सुनती नहीं। हमको हिसाब चाहिए, हमको बहुत, हम गरीब लोग हैं, हमको हिसाब चाहिए। ये जो मुकदमा है ये 320 का नहीं है, ये 302 का है, ये कत्ल अमदन कत्ल है किसी का, क्योंकि वो चक्कर लगा गए और उन्होंने अमदन आग उसको हिट किया है। अमल करने वाले के हाथ किस नियत से काम कर रहे हैं देखना ये है, और इस FIR में अमल करने वाले के जो हाथ हैं, अमल करने वाले के जो नियत है, वो कह रही है कि वो उसको कत्ल करना चाहते थे, ना कि उसको डराना धमकाना चाहते थे। उनकी कोई पुरानी रंजिश तो नहीं? अगर कोई पुरानी रंजिश नहीं तो ये किस वजह से इस बंदे को डराया उन्होंने, डरा के उन्होंने इसको मारी है मोटरसाइकिल, इस बाबत इन्वेस्टिगेशन जरूर होनी चाहिए। अब उन्होंने उसको कत्ल किस तरह किया, कोई वेपन यूज नहीं किया, उन्होंने मोटरसाइकिल यूज कर लिया, उस पे चढ़ा दिया, उस पे चढ़ा दिया, उसको एक एक्सीडेंट का रूप दिया गया। तो कोई बंदा वन व्हीलिंग कर रहा हो तो पुलिस उसके खिलाफ FIR देती है सर, वो सूरत में जब कोई बंदा जख्मी ना हो, वैसे ही एक बंदा अगली गाड़ी का अगला टायर उठाया हुआ और वो जा रहा है सर, तो पुलिस उसको पकड़ के वन व्हीलिंग में वो 99MO का उसके ऊपर मुकदमा दर्ज कर देती है। अब 320 इसमें उन्होंने लगाई है कि उन्होंने रैश नेग्लिजेंट ड्राइविंग की है, जबकि FIR की स्टोरी ये नहीं बताती सर। FIR की स्टोरी उनकी इंटेंशन शो कर रही है कि वो उस बंदे को मारना चाहते थे या इंजर्ड करना चाहते थे सर, सर, सर। अब पुलिस को मेरे ख्याल में इसको 320 लगाने की बजाय इसको 302 में प्रूव करना चाहिए। मेरे ख्याल में ये जो वाकया है ये पुलिस अफसरान की और उस थाने का जो SHO है ये उसकी नाहली का मुंह बोलता सबूत है सर।
कि उसने अपने एफआईआर की जो स्टोरी है ना जी, उस एफआईआर की स्टोरी के मुताबिक वो मुकदमे की उसने वो दफा नहीं लगाई। अब उसने ये क्यों नहीं लगाई कि अब वो उसने अपनी गफलत छुपाने के लिए, किसी का कत्ल छुपाने के लिए उसने एक बेलेबल ऑफेंस लगा दिया है। अब अगर उसमें मुल्जम पकड़ा जाएगा तो वो अगले दिन इलाका मुझे स्टेट के सामने पेश होगा, वो बेलेबल ऑफेंस है, वो छूट के घर चला जाएगा। ना मुद्दई ना शहादत, हिसाब पाक हुआ, ये खून खाक नशीना था रिस्क खाक हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे नाजरीन, ये जो सियालकोट बाईपास रोड है जो कंगनी वाला पुल से शुरू होकर और फिरोज वाला पुल के ऊपर से गुजरता हुआ फिर छिछर वाली या फ्रीद टाउन पुल को क्रॉस करता हुआ जब सियालकोट बाईपास तक पहुंचता है और वहां से वो पिंडी बाईपास की तरफ भी जाता है और यही रोड जो है ये फिर गुजरांवाला से सियालकोट को भी आपस में मिलाता है। ये रोड एक तो पीएचपी के जो कारकुनान हैं, जो अम्माल हैं, जो स्वीपर्स हैं, हमारे शहर गुजरांवाला के जो बल्दिया मुलाजमीन हैं, अमला सफाई जो है, एक तो उन लोगों ने इस रोड को अपना डंपिंग पॉइंट बनाया हुआ है, यानी ये फ्लिथ डिपो का, गुजरांवाला का ये फ्लिथ डिपो बन चुका हुआ है। सारे शहर की गंदगी ना सिर्फ बल्दिया का अमला सफाई बल्कि गुजरांवाला शहर के सभी गवाले वो अपने बाड़ों से जिस कदर गोबर वगैरह अपनी भैंसों का फुजला वहां से उठवाते हैं वो ला के इसी रोड के ऊपर भी फेंकते हैं और इस नहर में भी फेंकते हैं। ये वाहद नहर है जो गुजरांवाला शहर को हुसन बख्शती है, इतनी खूबसूरत नहर शहर के पहलू में बहती है, लेकिन इसका पानी इस कदर आलूदा है और ज्यादा आलूदगी उसमें गवाले डालते हैं। ये रोड एक और हवाले से भी बदनाम है, वो ये है कि यहाँ पे गुजरांवाला के बिगड़े हुए नौजवान अपनी मोटर बाइक्स के ऊपर सुबह शाम जत्थों की सूरत में व्हीलिंग करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन पुलिस कभी उनका नोटिस नहीं लेती, ना किसी को पकड़ा जाता है। कल यकम रमजानुल मुबारक का पाक और पाकीजा दिन था, इसी रोड के ऊपर फिरोज वाला पुल के करीब रहने वाले एक खानदान का नौजवान लड़का जिसकी 15 बरस एज थी, वो सुबह की नमाज अदा करके पहले अपने घर से सहरी करके उसके बाद नमाज फजर बाजमात अदा करके अपने भाई के हमरा मेन सियालकोट रोड के ऊपर आया। यहाँ पे किसी ने एक बजरी का ढेर उतरवा रखा है जो कि वो भी गैर कानूनी है, मेन शाहराह जो गुजर रही है उसके ऊपर किसी ने, नामालूम शख्स ने बजरी का पूरा बड़ा डंपर जो है वो यहां पे उतरवाया हुआ है। सुबह सुबह का वक्त था, यानी बिल्कुल सहरी के फौरन बाद, तो आप अंदाजा करें कि उस वक्त भी वन व्हीलिंग यहां पे इस रोड पे हो रही थी। कुछ 5-6-7-8 लड़के मोटर बाइक के ऊपर व्हीलिंग करते हुए जब यहां पहुंचे फरीद टाउन पुल और फिरोज वाला पुल के ऐन दरमियान में ये जगह वाकई है जहां पे ये सानहा हुआ, जहां ये हादसा रूनमा हुआ, वहां जब वो पहुंचे तो वो नौजवान बच्चा जिसका नाम अब्बास था, 15 साल उसकी उम्र थी, घर से सहरी करके निकला, नमाज फजर अदा करके वापस आके जीटी रोड के ऊपर खड़ा था, उसका भाई उसके हमराह था, कि वो व्हीलिंग करते हुए नौजवान बड़ी तेजी से जो आ रहे थे अपनी बाइक्स पे, उनमें से एक लड़का आके उस नौजवान के साथ टकराया, वो बेचारा एक्सीडेंट में शदीद जख्मी हो गया, उसकी दोनों टांगे टूट गई, उसके सर में शदीद चोटें आई। अलमिया ये है कि अहले खाना ने उस जख्मी बच्चे के वरसा ने 1122 को फोन किया, लेकिन 1122 एमरजेंसी सर्विस जो है वो उन्होंने, उनका एक रिस्पांस टाइम होता है, लेकिन उन्होंने इन, ये बताते हैं कि उन्होंने आधा पौना घंटा तक इनसे राबता तक नहीं किया। नाचार हार के इन्होंने एक रिक्शा सुबह सुबह यहां से
रिक्शे भी कम ही मिलते हैं। बहरहाल इन्होंने एक रिक्शा लिया, उसमें अपने मजरूब व जख्मी भाई की बॉडी उसमें डाली और उसको लेके ये अस्पताल जा रहे थे कि रास्ते में ही वो बच्चा दम तोड़ गया। ये सानहा किस तरह वकू पजीर हुआ, मुतवफी अब्बास के हमरा जो उसका भाई मौके पर मौजूद था, आइए उससे पूछते हैं। हाँ भाई, आप बताओ बेटा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम शेर अली। अच्छा शेर अली, ये कैसे वाक्या हुआ? सुबह आप अपने घर से सहरी करके कब निकले, सारा जरा सुनाओ। ये इस तरह हुआ, हम गए इधर सहरी करके आए, नमाज पढ़ने गए। हाँ। नमाज पढ़ के वापस आए तो इधर रोड पे तकरीबन 6-7 लड़के जो ज़िगज़ैग और व्हीलिंग वगैरह कर रहे थे। हाँ। तो उनको मना किया, कितनी बार मना किया उसको, मना करने के बावजूद वो ज़िगज़ैग कर रहे थे वन व्हीलिंग। और भाई मेरा जो मेरे साथ था उसका मैंने हाथ पकड़ा था, सड़क के पास खड़े हुए थे हम, तो वो ज़िगज़ैग करते हुए आया और सीधा मेरे भाई को उसने गाड़ी मारी, यानी कि जानबूझ के मारी। इतना मना भी किया उसको, उसको पता भी है इधर खड़े हुए हैं, वो ज़िगज़ैग करते आया और उसने गाड़ी मार दी उसको। अच्छा, तो जब तुम्हारे भाई को वो गाड़ी उसकी मोटर बाइक उसको लगी तो क्या हुआ फिर, उसके बाद भी बताओ ना बेटा। जो जब उसको बाइक लगी तो मैं भागता हुआ गया, अपने भाई को उठाया मैंने गोद में, तो मैं अंदर घर में ले आया। बाहर मैं दोबारा लड़के को देखने गया तो वो जो लड़का था ना, उसके गैंगस्टर जितने भी थे वो लड़के को ले गए, वो सारा गैंग फरार हो चुका, फरार हो चुका है, किसी ने बताया नहीं। अच्छा, लेकिन आपने पहचान लिया? जी, क्योंकि वो सुना आपके ये इसी पिछले मोहल्ले का रहने जी, वाला जी, था जी, पीछे मोहल्ले वाला ही है वो। अच्छा अच्छा, अब ये बताओ कि जब आपने अपने भाई को उठाया और अंदर लेके अपने घर में आए जी, तो उस वक्त उसकी क्या हालत थी? उस वक्त उसकी हालत बहुत खराब थी, यानी कि थोड़ा थोड़ा उसका सांस था। रेस्क्यू वाले को कॉल की, उन्होंने टाइम इतना लगा दिया कि बस रास्ते में उसकी डेथ हो गई थी। नहीं, रेस्क्यू वाले फिर नहीं पहुंचे? नहीं, टाइम से नहीं आए। आप इंतजार कर करके फिर आपने कोई प्राइवेटली ले लिया, कोई रिक्शा वगैरह? रिक्शा वगैरह लेके गए हैं, उसकी दोनों टांगे टूट गई थी, हालात बहुत खराब हो गए थे उस टाइम। अच्छा, तो वो रास्ते में दम तोड़ गया था। प्यारे नाजरीन, मुतवफी मोहम्मद अब्बास का भाई शेर अली जो सानहा के वक्त उसके साथ मौजूद था, उसकी बातें आपने सुनी। अब इसी हादिसा के मुद्दई और मुतवफी के दूसरे भाई मोहम्मद सलीम से आपको मिलवाते हैं। मोहम्मद सलीम, आप बताओ यार कि ये कैसे वाकया हुआ और इस सानहे के बाद फिर आप लोगों ने क्या किया? कि मैं घर सी मैं। हाँ। ते मैनू घर इतलाह मिली, मैं भजदा आया इधर, ते मैं 112 कालां कीतियां, कोई 5-6 कालां कीतियां। हाँ। वो आंदे असीं गड्डी घली घली, मैं किन्नी देर हो गई, अद्धा घंटा हो गया गड्डी नहीं, आंदे साढ़े कोल जहाज़ असीं घलीए, आंदा गड्डी आ रही बस इंतजार करो। हाँ। तो भाई मेरा साह लै रहा, मुँह चो झिग्गा निकलदियां पईआं, लत्तां टुटियां, पहुंचे नहीं। फिर उस तो बाद मैं वन भाई नूं रिश्के च लदाया। हाँ। लै गए, मैं फिर 15 ते कॉल की। हाँ। असीं मोटरसाइकिल उन्हां दी फड़दे सी, मोटरसाइकिल असीं फड़दे जिहड़े वन व्हीलिंग वाले है ना। हाँ। असीं 15 ते कॉलां कीतियां, कोई 15-20 कॉलां कीतियां। सुबह तुसीं अंदाज़ा ला लो तकरीबन 7 तो कॉलां शुरू होए, 11 पुलिस आई साढ़े कोल। हाँ। वो आ के फिर सानूं आंदी जी इहदा पोस्टमार्टम होएगा, असीं पोस्टमार्टम ते लै गए, मोटरसाइकिल असीं उन्हां नूं खाई आया, मोटरसाइकिल बंदे भी ट्रेस हो गए ने, बंदे भी हले तक नहीं फड़े उन्हें। तो कि नाम अं पोस्टमार्टम तो गए, उत्थे असी तकरीबन इतों पोस्टमार्टम वास्ते लै गए 3-4 घंटे उत्थे। पुलिस ने फोन किया, वह आते बंदे आ रहे ने, तकरीबन 10 कॉल पुलिस ने कोई नहीं आईया। फिर मैं सा मेरे नाल कि नाम एक साढ़े महल का जायदा रीडर है, दोस्त है मेरा, वो ही मेरे नाल, उन्हें आख्या आप थाने जाने, अं थाने गए तो वह आते भाई जी इतने पहले लिख लिखा होना, फिर आना है साड़ी लाश, उन्हें जिगर उ खराब हो रही, गड्डी ज पई ही तो धुप पै रही, स्मैल बनती पई ही। हाँ। ते कि ना मेरा ही थाने उन्होंने सानू 3-4 घंटे साढ़े उत्थे बनाए ने। हाँ। फिर उस तो बाद साढ़ा जो परचा लिखन लगे हैं, उन्हें भाई ने आखे भी क्योंकि अदालतों के काम करते रहे, उन्हें आख्या परचा नहीं बनता जरा तुम दे रहे हो। एस एच ओ शकरूला ने उन्हें कॉल की, मुंशी उत्थे का मुहर्र जरा ही, उन्हें आख्या कि दफा लानी, उन्हें आख्या दफा बनती है 322 बनती है। तो उन्हें फिर आख्या फिर भी तुम मजीद DSP ने पूछ लो, DSP ने मैं घलिया उन्हें तस्वीर खिंच के, तो DSP ने उन्होंने आख्या जी दफा 320 लाओ। हाँ। तो दफा 320 है तो जमानत होई नहीं, लसेंस के बार बनी। हाँ। भाई साढ़े की डैथ हो गई है तो उन्होंने जमानत मिलती पई है। हाँ। सानू इंसाफ चाहिए। हाँ।
असि इन्नी देर है उत्थे साडा उन्हें टाइम भन्या उस तो बाद कि ना पांच बजे ना जाके उत्थे उहदा पोस्टमार्टम उन्हें किया साड़ी कोई गल ही नहीं सुनी थाने वाले भी ना इधर 112 वाले सुनी 15 बंदे भी ट्रेस हो गए हूँ सानू आंदे जो तुम कॉल सानू करनी अ बंदे जो तुम अं घर उखा छे सू बंदे फड़ो सजा दो हूँ सानू आंदे जो तुम कॉल करनी अं उदो आया करेंगे असं हूँ उन्होंने मगर बंद ही फटने फिर की फायदा पुलिस का। नाजरीन मुतवफी मुहम्मद अब्बास के बहनोई सनाउल्ला खान भी इसी सफ़े मातम पे हमारे साथ मौजूद हैं, आइए आपको उनसे भी मिलवाते हैं और उनकी फरियाद भी इंस्पेक्टर जनरल पुलिस और सीएम पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा तक पहुंचाते हैं। जी बताएं, आप बताएं क्या हुआ ये सारा। सर जो मैं कल फैसलाबाद आया ना जनाब, हाँ मैंने उन्होंने फोन किया कि असी ना हस्पताल ले चले हैं डेड बॉडी तो सा वाकया हो गया रोड हादसा, मैं उनका अस्पताल ले जाओ इन। लेकिन एक गरीब आदमी ने इन्हों की किसी एक गल भी नहीं सुनी ना पुलिस सुनी है, देखो जी जिथे जिन्हों का जवान पुत्र मरे वो पुलिस से सुन दी है ना करें। पुलिस ने 5 to 6 hours ना गरीबा रोड से रखा ना इन्हों की लाश डेड बॉडी वास्ते उ भेजी रोड से पई रही, फिर जो उत्थे अस्पताल गए तो अस्पताल का निजाम कोई नहीं, एवं गुजराला शेर वाला शहर है जी, शहर का शहर आ, इतने ना पुलिस का निजाम है ना हस्पताल का निजाम है। एक गरीब शरीफ आदमी ने इन्हों ने किसी ने पूछा नहीं, मैं कल गया थाने इन्हों आख के मैं आप चले गया, जो तो मैं कल थाने गया तो मैं उन्होंने पूछा जी परचे की नकल है मैंने विखाई, मैं यार 322 तो मैं हाल के सिविल आदमी 322 लगती है 320 किने लाती, उन्होंने आख्या जी इंस्पैक्टर साहब ने आख्या थाने ने SHO साहब ने कि तुम 322 ला दो, डिप्टी साहब सर्कल ने कोई असी नहीं जानते, लेकिन उन्होंने आख्या जी 320 ला दो, ये तो काबिले जमानत है इस बंदे का लसेंस होंगे, पुलिस को पता सीगा कि लसेंस है। मैं ये गल कहांगा वज़ीर आला पंजाब नूं भी ते IG पंजाब नूं भी कि गुजरां दी पुलिस बिल्कुल कारकर्दगी कोई नाकस ने जी, ये किसी गरीब आदमी की सुन ही नहीं सकती, इन्हों जिहड़ा पैसे देवे उन्हां दी आ, लेकिन ये किसी की सुनती नहीं। मैं तो ये वेख्या जी मेहमान आया मैं इतने, लेकिन गुजरां वाले इंसाफ नहीं है, माड़े बंदे नाल तां कोई नहीं पैसे वाले का है। गुजारिश साडी यही है कि इन्हों इंसाफ दिता जाए, जवान बच्चा इन्हों का फौत होया। नाजरीन मुतवफी मुहम्मद अब्बास की वालिदा शमीम बीबी हमारे साथ मौजूद हैं, आइए नौजवान मजदूर बच्चे की हलाकत से बेवा माँ के दिल पे क्या गुजरी है आपको उनकी जुबानी सुनवाते हैं। जी बताएं आप। हम बहुत गरीब आदमी है, हमको हमारा बेटा जवान फौत हो गया, हमको इंसाफ चाहिए, हमारे दिल पर क्या गुजरी है ये हम नहीं बता सकते, हम बहुत गरीब लोग हैं। ये कैसे फोत हुआ थोड़ी बात सुनाए ना। हम वो ये बाहर गया था, अब मोटरसाइकिल वाला 3-4 आदमी आए थे, उसने जबरदस्ती करके उसने ना मोटरसाइकिल उसके लगवाई है। वन व्हीलिंग वाले थे? हाँ जी वन व्हीलिंग वाले थे। हाँ। वन व्हीलिंग वाले थे, हमको हमारा बेटा उसने मार दिया। हाँ। हमको हिसाब चाहिए, हमको बहुत हम गरीब लोग हैं, हमको हिसाब चाहिए। हाँ। प्यारे नाजरीन ये जो वन व्हीलिंग के नतीजा में सानेहा रूनमा हुआ है और एक नौजवान 15 साल मोहम्मद अब्बास की वफात हो गई है, इसके हवाले से जो पुलिस ने FIR दर्ज की है मुतवफी के वरासा को, उस FIR पर बहुत से इतराजात हैं कि ये FIR जो है ये सही तौर पे दर्ज ही नहीं की गई और पुलिस वालों ने जो इलाका पुलिस है मुतल्लिका थाना जो है उन्होंने मुजरम को फायदा देने के लिए मुबैना तौर पर ये उनका इल्ज़ाम है मुतवफी के वरासा का कि पैसे लेकर पुलिस वालों ने FIR जो है वो गलत काटी है और वो दफ़ात ही नहीं लगाई गई जिसका मुर्तकिब के मुलजम हुआ जिसने इस बच्चे को वन व्हीलिंग करते हुए कत्ल कर दिया। हमने सोचा कि हम एक शहर के मोतबर और सीनियर एडवोकेट के पास जाएं और उनकी मुशावरत लें कानूनी, तो हम हाजिर हुए हैं, हमारे गुजरांवाला बार के इंतहाई सीनियर मेम्बर हैं चौधरी गुलफाम रियाज एडवोकेट, उनकी खिदमत में। तो आइए इस सानहे बाबत और इस FIR बाबत उनकी लीगल ओपिनियन जानते हैं।
चौ साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। चौ साहब, ये सारा हमने आपके गोशे गुजार किया कि जिस तरह ये सानहा जो है ये वकू पजीर हुआ, तो आपकी क्या राय है ये जो पुलिस वाले हैं वो जैसे के मुतवफ़ी के वरासा बेचारे वावेला कर रहे हैं, एक बेवा माँ है, उसका मजदूर बच्चा था, रोजे से था, और उसको वो व्हीलिंग वालों ने पहले उसको धमकाया, फिर दूसरे राउंड में आके उसको उसकी कैजुअलिटी कर दी, उसके ऊपर चढ़ा दी बाइक, तो 320 जो दफा लगाई है इस पे वोरा साहब मोतरज हैं। आप माशाल्लाह शहर के सीनियर एडवोकेट हैं, गुजरांवाला बार के मुअज्जज़ रुकन हैं, आपकी क्या कानूनी राय है इस सानहे के पस मंजर में? क्या पुलिस को कौन कौन सी दफात लगानी चाहिए थी और वोरा साहब को इंसाफ कैसे फ्राहम किया जा सकता था? सबसे पहले तो मैं वो FIR की तरफ आऊंगा। मैंने वो FIR पढ़ी है जी। उस FIR में जो लाइनें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। उस FIR में लिखा गया है कि ये बंदे वन व्हीलिंग करते हुए आए और इन्हें पहले इन लोगों ने उसको डराया जी, डराया यानी डराया, और बाद में ये चक्कर लगा कर आए और इन्होंने उसको हिट किया। हिट करके, हिट करने से वो बंदा नीचे गिरा और वो डेथ हो गई उसकी। ऐसा ही है। अब FIR की स्टोरी से मैं आपको कुछ बातें बताऊं कि ये असल है क्या जी। कानूनी जबान में दो अल्फाज चलते हैं, एक्टस रिया और मेंस रिया। एक्टस रिया हम किसे कहते हैं? एक्टस रिया हम कहते हैं कि जो बंदा जुर्म कर रहा है वो उसका फेल किस नियत से है। वाह। आया उसकी नियत, उसको वो जुर्म करने की थी कि वो अचानक हो गया। वाह जबरदस्त। इसको डिफरेंशिएट, ये डिफरेंशिएट हम इस तरह कर सकते हैं कि वो जो वकुआ हुआ है, कोई भी वकुआ, किसी भी वकुए के पीछे सबसे पहले पुलिस जो देखती है वो ये देखती है कि इसकी पीछे मंजरिया क्या है, इस बंदे ने नियत क्या थी, इसने आमदन किया है या सहवन किया है या इससे ये हो गया है, सहवन हो गया, हो गया है। फर्ज करें, उसकी एक मिसाल मैं देता हूं जी, कि अगर कोई बंदा ड्राइवर गाड़ी रोड पर चला रहा है और आगे वो देखता है कि आगे अचानक एक बच्चा आ गया या आगे कोई अचानक कोई चीज आ गई है, और वो सोचता है कि यार उस वक्त दिमाग तो बंद का काम नहीं करता, और अगर वो उसको बचाने की खातर को काम करता है तो वो बस किसी दीगर से जाकर टकरा गई है, वो हो गई, उसकी इंटेंशन आ गई एक जान को बचाने की। अब आप फर्क समझ गए होंगे कि इसमें फर्क ये है कि उसकी नीयत क्या थी इस फेल के पीछे, इस जुर्म के पीछे। अब उस FIR में ये बात वाजे है कि वो पहले नियतन उसके पीछे थे वो बंदे। सर, वन व्हीलिंग का लफ्ज इस्तेमाल करके मेरे ख्याल में किसी का कत्ल नहीं छुपाया जा सकता। वाह। उस FIR में जो वन व्हीलिंग का लफ्ज इस्तेमाल किया गया ना, वो वन व्हीलिंग बेसिकली वन व्हीलिंग नहीं है। सर, वो उस बंदे को मारने की इंटेंशन है, उनको कत्ल करने की नीयत थी। सर, अब उन्होंने उसको कत्ल किस तरह किया, कोई वेपन यूज नहीं किया, उन्होंने मोटरसाइकिल यूज कर लिया, उस पे चढ़ा दिया, उस पे चढ़ा दिया, उसको एक एक्सीडेंट का रूप दिया गया। सर, सर, सर। बेसिकली FIR की स्टोरी ही बताती है कि वो उस बंदे को मर्डर करना चाहते थे या उसको इंजर्ड करना चाहते थे। सर, सर। ठीक है। और सर, ये FIR कोई मैंने तो नहीं ना दी, ये पुलिस वालों ने खुद दी है, और उसमें खुद वो लिखते हैं कि वो पहले आए, आगे उसको धमकाया, सेकेंड राउंड में उसको हिट कर दिया बाइक से। तो सर, फिर ये दफात जो उन्होंने लगाई है इसके बारे में आप क्या? अब मैं बताता हूं जी, जो वन व्हीलिंग का जो सेक्शन है ना, वो है मोटर व्हीकल एर्डिनेंस है, हमारा 1965 है, उसकी 99 लगती है सेक्शन जी। वो होता है जो कोई बंदा वन व्हीलिंग कर रहा हो तो पुलिस उसके खिलाफ FIR देती है। सर, वो सूरत में जब कोई बंदा जख्मी ना हो, वैसे ही बंदा अगली गाड़ी का अगला टायर उठाया हुआ है और वो जा रहा है, तो पुलिस उसको पकड़ के वन व्हीलिंग में वो 99 है ओ का उसके ऊपर मुकदमा दर्ज कर देती है। दूसरा होता है कि अगर मोटर बाइक या किसी गाड़ी के जरिए किसी को कोई बंदा हिट करे, सर, अगर वो जख्मी हो गया तो फिर उसमें जख्मी होने की दफात हो रहा है, अगर कोई बंदा मर गया तो उसमें पुलिस वाले बात क्या करते हैं, पुलिस वाले उसमें डिफ्रेंशिएट करते हैं कि अगर उस बंदे के पास लाइसेंस नहीं है सर ड्राइविंग, तो वो उसमें 322 ऐड करते हैं, अगर वो लाइसेंस होल्डर है तो फिर उसको 320 में ले जाते हैं। कि ये अब 322 क्या है और 320 क्या है? 322 है कत्ल बिल सबब। सर,
कोई मर्डर हो जाए ना किसी वजह से, सर, लेकिन पुलिस वाले उसको लाते हैं जी गाड़ी के साथ हो गया तो वो इसके पास लाइसेंस नहीं था तो वो उसको 322 में कन्वर्ट करते हैं। 320 है कि रश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग के जरिए कोई बंदा इंजर्ड हो जाए या मर्डर हो जाए, सर सर। अब 320 इसमें उन्होंने लगाई है कि उन्होंने रश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग की है, जबकि एफआईआर की स्टोरी ये नहीं बताती, सर। एफआईआर की स्टोरी उनकी इंटेंशन शो कर रही है कि वो उस बंदे को मारना चाहते थे या इंजर्ड करना चाहते थे, सर सर। अब पुलिस को मेरे ख्याल में इसको 320 लगाने की बजाय इसको 302 में प्रूव करना चाहिए, सर। उनकी इंटेंशन तो देखे ना, वो उस लड़के को पहले ही थ्रेट कर रहे हैं, धमका रहे हैं, उसके पीछे लगे हुए हैं। अब वो जो उन्होंने मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस का जो सेक्शन लगाया तो वो तो होता है अचानक, कोई बंदा तेज रफ्तारी से आ रहा है उसके अचानक कोई सबब बन गया उसके साथ उसे कोई मौत वाकया हो गया तो वो तो होता है। लेकिन मेरे ख्याल में ये जो वाकया है ये पुलिस अफसरान की और उस थाने का जो है स्विच है ये उसकी नाहली का मुंह बोलता सबूत है कि उसने अपने एफआईआर की जो स्टोरी है ना जी उस एफआईआर की स्टोरी के मुताबिक वो मुकदमे की उसने वो दफा नहीं लगाई। अब उसने ये क्यों नहीं लगाई कि अब वो उसने अपनी गफलत छुपाने के लिए किसी का कत्ल छुपाने के लिए उसने एक बेलेबल ऑफेंस लगा दिया है। अब और उसमें मुलजम पकड़ा जाएगा तो वो अगले दिन इलाका मुझे स्टेट के सामने पेश होगा, वो बेलेबल ऑफेंस है, वो छूट के घर चला जाएगा। अब उसमें पुलिस को ये चाहिए कि वो बकायदा तौर पर इसकी इन्वेस्टिगेट करें और मुदई ने जो एप्लीकेशन मुस्तगीस ने फाइल किया कि ये पहले आए और उसको डराया और ये जो एक नुक्ता है ना इसके बाबत इन्वेस्टिगेट करें इस मामले को, उनकी कोई पुरानी रंजिश तो नहीं, अगर कोई पुरानी रंजिश नहीं तो ये किस वजह से इस बंदे को डराया उन्होंने, डरा के उन्होंने इसको मारी है मोटरसाइकिल, इस बाबत इन्वेस्टिगेशन जरूर होनी चाहिए। लेकिन ये जो मुकदमा है ये 320 का नहीं है, ये 302 का है, ये कत्ल अमदन कत्ल है किसी का, क्योंकि वो चक्कर लगा गया है और उन्होंने अमदन आग उसको हिट किया है जी, जी। और ये अमदन हिट करना जो है ये मोटरसाइकिल से बंदा को मर जाए या गोली से मर जाए या किसी भी वेपन से मर जाए तो वो अमदन, अगर कोई बंदा किसी को छत से धक्का मार देता है तो फिर वो 302 है, अगर कोई बंदा किसी को ट्रेन की पटरी के ऊपर बांध देता है उसमें वेपन तो यूज नहीं ना हुआ लेकिन इंटेंशन उसकी देखे कि मर्डर वो कर रहा है, नीयत तो उसकी है वो उसको मर्डर कर रहा है। सर, सर, सर। अगर कोई बंदा किसी को गुजरती हुई ट्रेन के आगे धक्का दे देता है तो उसकी नीयत, ये तुमने कहा वो 320 लगेगी ड्राइवर के ऊपर, नीयत अमल करने वाले के हाथ किस नीयत से काम कर रहे हैं देखना ये है। और इस एफआईआर में अमल करने वाले के जो हाथ हैं, अमल करने वाले के जो नीयत है वो कह रही है कि वो उसको कत्ल करना चाहते थे ना कि उसको डराना धमकाना चाहते थे। ये इसमें जो मेन पॉइंट है इसके ऊपर पुलिस को और पुलिस के हाई ऑफिशियल्स को इसके ऊपर अप्रोव करना चाहिए, इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। सर, सर। किसी बंदे की नाहक जिंदगी चली गई है, किसी का जवान बच्चा चला गया तो उसके ऊपर प्रोब करना चाहिए। और दूसरा ये जो वन व्हीलिंग का है ना जी, वन व्हीलिंग के ऊपर हमारी पुलिस जो है ना थोड़ी सी कमजोरी दिखा देती है, कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस आ जाता है और कोई बंदा अगर पकड़ा जाता है तो उसको मौके के ऊपर पैसे लेके भी छोड़ दिया जाता है। दूसरे नंबर पर अगर उसको कोई एफआईआर अगर सीपीओ साहब का या आरपीओ साहब की जानब से कोई प्रेशर है तो कोई 2-3 एफआईआरें दे दी तो वो भी बेलेबल ऑफेंसेस है। अब इसमें गवर्नमेंट को ये चाहिए कि ये जो माइनर जिनको ऑफेंस गिना जाता है ये माइनर नहीं है, वन व्हीलिंग माइनर ऑफेंस नहीं है, काइट फ्लाइंग माइनर ऑफेंस नहीं है, ये बड़े बड़े ऑफेंस है जिनसे लोगों की जिंदगियां चली जाती हैं, लोग मजबूर हो जाते हैं। तो इसमें मुकन्ना की ये जिम्मेदारी है कि वो ना इसके ऊपर बकायदा तौर पर कानून साजी करें और इनकी सजाएं बढ़ाएं, इनकी सजाएं बढ़ाएं, इनके ऊपर जो ट्रायल है उसको कम से कम सेशन ट्रायल करें ताकि ये जो ऑफेंसेस हैं लोग करते वक्त सोचें कि यार अगर ये जुर्म हमसे हुआ या इस जुर्म के मुर्तकिब पाए गए तो इसमें कम से कम बेल नहीं होगी, सजा ज्यादा होगी, लोगों में डर पैदा होगा और जो रियासत है उसकी रिट मजबूत होगी। प्यारे नाज़रीन, आपने देखा कि हमारे चौधरी गुलफाम रियाज साहब ने किस कदर तफसील के साथ इस एफआईआर की मुख्तलिफ कानूनी नुकात के ऊपर बातचीत की और अपनी बालिग राय दी। असल बात यह है कि जो मुतवफी है उसके वरासा जो कुछ भी कह रहे हैं आप उसको छोड़ें। चौधरी गुलफाम रियाज साहब ने तो यह कहा है कि पुलिस वालों ने जो अपने हाथों एफआईआर काटी है उसके मुताबिक दफात भी नहीं लगाई गई।
इस तरह अगर गरीबों का खून राएगा जाएगा पुलिस के हाथों और उन उसके मुतवफी के लवाहकीन को अगर इंसाफ नहीं मिलेगा तो प्यारे नाजरीन यहां से ही फिर जुराइम की इब्तदा एक नया सिलसिला चल निकलता है। जिसका बच्चा मर जाए, जिसका भाई कत्ल हो जाए, अगर कानून नाफिज करने वाले इदारे ही सही तौर पे उसकी एफआईआर ना काटें, उसकी कानूनी दादरसी ना करें, उसकी अश्कशोई ना करें, तो फिर वो खुद बदला लेने पे तैयार हो जाते हैं। और ऐसे आमाल जो हैं हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों के, हमारी बिलखसूस पुलिस की ऐसी जो नेगलिजेंस होती है, उससे ही फिर जुराइम के नए दरवाजे खुल जाते हैं। तो हम आखिर में फिर इंस्पेक्टर जनरल पुलिस पंजाब से ये दरख्वास्त करेंगे कि हमारे गुजरांवाला बार के जो मुअज्जज और सीनियर रुकन हैं जनाबे चौधरी गुलफाम रियाज साहब, उनसे जो कानूनी मुशावरत हमने की है और उन्होंने जो अपना बालग राय दी है कानूनी हवाले से, इसको भी इंस्पेक्टर जनरल पुलिस जो है वो मद्देनजर रखें और अपनी जो पुलिस है गुजरांवाला पुलिस उसे हदायत करें कि नजरसानी की जाए इस एफआईआर के मुलजम के खिलाफ जो दफात लगाई गई हैं उन दफात के ऊपर, और मुलजम को पकड़कर उसको करार वाकई सजा दी जाए। चौधरी साहब ने एक और बड़ी जबरदस्त बात की, उन्होंने कहा कि ये जो काइट फ्लाइंग है, पतंगबाजी है, इसके अलावा ये जो वन व्हीलिंग है, इसके नतीजे में जो बेगुनाह लोगों की जानें जाती हैं, एक बंदा पतंग उड़ा रहा है और उसके पतंग उड़ाने से उसकी डोर ने किसी का गला काट दिया है तो अगले दिन उसकी जमानत हो जाती है, इस पे भी हमारी मुकन्नना को कानून साजी करनी चाहिए। और अगर एक भी बंदे को जिसने पतंग उड़ाते हुए किसी का गला काटा है या जिसने वन व्हीलिंग के नतीजे में किसी को हलाक कर दिया है, अगर उसे कत्ल अमद जैसी सजा दी जाए, दफात लगा के कोई 20-25 साल उसे सजा हो जाए, तो चौधरी साहब की कैसी जबरदस्त बात है कि फिर आइंदा वो ऐसे कम अज कम जुराइम का इरतकाब नहीं करेगा। प्यारे नाजरीन, आपने इस सफ़े मातम पे मौजूद मुतवफ़ी मोहम्मद अब्बास के अकरबा, उसके अजीज, उसके भाइयों, उसके बहनोई, उसकी बेवा माँ की आपने बातें सुनी। इंतहाई जुल्म की बात यह है कि रमजानुल मुबारक का रहमतों वाला महीना है, अल्लाह पाक अपने बंदों पे रहमतें निछावर कर रहे हैं, लेकिन गुजरांवाला पुलिस और गुजरांवाला के तमाम सरकारी इदारे गरीब अवाम पर जुल्मों सितम की मश्क करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने दे रहे। आप देखें कि 1122 को कॉल की गई है, एमरजेंसी तौर पे पहुंच के इमदादी काम सर अंजाम देता है ये महकमा, लेकिन इन लोगों का, इन गरीब लोगों का कहना है कि आध पौन घंटा तक 1122 की गाड़ी नहीं पहुंची और उल्टा इन्हें कहा गया कि हमारे पास गाड़ियां हैं, कोई जहाज तो नहीं जो एकदम आपके पास पहुंच जाए। उसके बाद आप देखें कि पोस्टमार्टम के लिए ये अपने नौजवान रोजादार बच्चे की लाश लेके अस्पताल गए हैं, 5 घंटे ये कह रहे हैं कि इनके बच्चे की लाश गाड़ी में पड़ी रही और वहां से स्मेल आने लग गई, लेकिन पोस्टमार्टम का अमल प्रोसेस जो है वो शुरू नहीं किया गया, शायद एक गरीब बेवा मां का बच्चा था इसलिए। उसके बाद इनका जो केस है उसकी जो दफा बकौल इनके 322 बनती थी, वो पुलिस ने ना जाने क्यों 320 लगा दी, जिसकी तो दूसरे दिन जमानत हो जाती है। आप देखें कि एक नौजवान कत्ल हुआ है, एक बेवा मां का सहारा, उसका मजदूर बच्चा कत्ल कर दिया गया है। वन व्हीलिंग जो है वो वैसे भी ममनू है हमारे पाकिस्तान में कानूनी तौर पे भी, लेकिन पुलिस वालों ने सिर्फ अपनी जान छुड़वाने के लिए, क्योंकि पुलिस वालों से बाजपुरस होना थी, कल को अल्लाह अफसरान ने पूछना था कि तुम्हारे इलाका में व्हीलिंग होती है, तो इन्होंने वो दफा ही नहीं लगाई और मामूली दफा लगा दी, जिससे इनके बच्चे का कत्ल खाक में मिला दिया। न मुद्दई न शहादत हिसाब पाक हुआ, ये खून खाक नशीना था रिस्के खाक हुआ।
हमने इनकी फरियाद इंस्पेक्टर जनरल पुलिस पंजाब और मोहतरमा सीएम पंजाब तक ताई पहुंचा दी है, इस यकीन के साथ कि अल्लाह पाक भी इन्हें इंसाफ देगा और हमारे हुक्मरान भी इनकी सुनवाई करेंगे। इसके साथ ही हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज। Thank you.